ब्यास रिवर का संगम पॉइंट है, इसके सामने मैं बैठी हुई हूँ एंड आई थॉट कि आज यहाँ पर शूट करते हैं ये वीडियो। मुझे मनाली में रहते हुए हो गए हैं पूरे एक महीने और ये जो एक महीना था ना वो कैसे बीता मुझे नहीं पता चला, बिकॉज मनाली हैज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट अ ब्यूटिफुल वाइब। बस इससे पहले हम एक महीना शिमला में थे, वो शिमला वाला टाइम भी काफी सुंदर था, पर शिमला में ज्यादा कुछ एक्सप्लोर करने को नहीं है। और मनाली में हर दिन, जिस दिन मैं यहाँ पहुंची हूँ उस दिन से लेकर आज तक आई एम एक्सप्लोरिंग एवरी बिट ऑफ मनाली। आई मीन आपको पीछे यहाँ पर एक जंगल सा नजर आ रहा होगा, वहाँ भी गए हम, वो ऊपर पहाड़ों पर भी गए हम, रोहतांग तक, अटल टनल भी जाकर आए 3 बारी, और पता नहीं क्या 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 एक्सप्लोर कर लिया और कितना कुछ जी लिया इन एक महीनों में। और मैं तो मतलब कभी सोच नहीं सकती थी कि लाइक मैं ऐसी, लाइक पर्सनली मैं बात करूँ तो मेरा हमेशा से दिल था कि मैं पहाड़ों पर जाऊँ, कुछ दिन बिताऊँ। मैं देखना चाहती थी कि लिटरली क्या मैं पहाड़ों से कभी बोर हो सकती हूँ, क्या मैं 2 महीने बिताऊँगी, 1 महीने बिताऊँगी तो मैं बोर हो जाऊँगी। अगर मैं नहीं होती हूँ तब तो मैं फाइनल करूँगी कि मैं यहाँ पर कहीं पर एक अपना खुद का छोटा सा प्यारा सा घर ले लूँ और बस यही सेटल हो जाऊँ। तो वो प्लान कब पूरा होता है वो तो ऊपर वाले पर डिपेंड करता है, पर अभी के लिए इन टुडेज वीडियो आई थॉट कि मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ कि ये जो पिछले 2 महीने रहे हैं मेरे हिमाचल में वो कैसे रहे, और मतलब मेरा क्या एक्सपीरियंस था ओवरऑल। मैं इस वीडियो में बहुत ही विस्तार से नहीं, थोड़ा लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करके आपको बताना चाहूँगी। और या मुझे लगा इससे बेहतरीन कोई बैकड्रॉप, पीछे स्नो कैप माउंटेन और ये संगम दो नदियों का, इससे बेहतर कोई पॉइंट हो नहीं सकता था। ये मेरा हर दिन का इवनिंग का अड्डा हुआ करता था, कहीं समझ नहीं आता तो मैं यहाँ आके बैठ जाती थी। देयर इज वन स्टोन जहाँ पर मैं लेट कर आराम से घंटों बुक पढ़ा करती थी, और बहुत ज़्यादा जब भी मैं इस जगह से जाऊँगी वापस तो मैं बहुत ज़्यादा मिस करने वाली हूँ इस प्लेस को। पर हाँ, बहुत जल्दी वापस भी आ सकती हूँ, तो होप फॉर द बेस्ट। बट ये आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया मैंने, इट जस्ट कि मैं अपना कैमरा उठाया, ट्राइपॉड उठाया और आई जस्ट केम हियर, और मैंने सोचा कि बस जो दिल से जो भी निकलेगा ना वो इस जगह को लेकर वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो या विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। सो शुरुआत से शुरू करते हैं। एक्चुअल में लास्ट ईयर जब लॉकडाउन हुआ था तो हम सभी अपने अपने घरों में कैद थे और सबके लिए वो पहला एक्सपीरियंस था, तो आई थॉट कि ऑब्वियसली लास्ट ईयर तो वो टाइम निकल गया, मैं कहीं कुछ एक्सप्लोर नहीं कर पाई, कहीं जा नहीं पाई, बहुत सारे प्लान थे मेरे ट्रैवल के बट वो कुछ भी वर्कआउट नहीं हो पाए। हम सबके साथ ऐसा हुआ, पर मेरा काम जो है जो कि मैं करती हूँ, आई एम फुल टाइम ट्रैवल ब्लॉगर, तो मेरे लिए इट वॉज सुपर डिफिकल्ट क्योंकि ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन बंद हो गए, मेरा बाहर जाना बंद हो गया, तो मेरा यूट्यूब का वीडियो कॉन्टेंट क्रिएशन बंद हो गया, जिस वजह से मेरी यूट्यूब की ग्रोथ जो है बीच में उस टाइम के लिए थोड़ी रुक गई थी, और इट्स बीन लाइक वेरी 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 स्लो। पर आई होप फॉर द बेस्ट। अभी मैंने सबसे ज़्यादा अचीवमेंट की अगर मैं बात करूँ इन 2 महीनों के बीच में, तो मैंने हर दिन व्लॉग किया है, तो मेरे चैनल पे 50-50 ट्रैवल व्लॉग्स, आई मीन डेली व्लॉग्स मैंने अपलोड किए हैं इन लास्ट 60 दिनों में, जिसमें से 10 दिन मैंने मिस किया रहेगा, क्योंकि वो भी जस्ट बिकॉज कि मैं कहीं ऐसी जगह पर ट्रैवल कर रही थी जैसे रिमोट एरिया में जहाँ पर नेटवर्क नहीं था, तो इस वजह से थोड़ा सा वो बस दिन रहे जब मैंने अपलोड नहीं किया। अदर देन दैट मैंने एवरीडे व्लॉग शूट भी किया, एडिट भी किया, अपलोड भी किया, और आपने हर दिन मेरे चैनल पे देखा, प्यार बरसाया बहुत सारा, उसके लिए लिटरली थैंक यू सो मच टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। और आप लोगों के जब कमेंट आते हैं ना मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं बता नहीं सकती। आई मीन चाहे वो 15-20 कॉमेंट ही क्यों ना हो, वो मेरे लिए एक एक कॉमेंट ना बहुत मीन करता है और वही मुझे एनर्जी देता है, मुझे पुश करता है कि मैं हर दिन एक व्लॉग बनाऊँ। क्योंकि लोग मुझे ये भी कहते हैं हिमानी आपके जिस तरीके के व्यू आने चाहिए उतने नहीं आते हैं, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो मैं भी बस हर दिन मेहनत कर रही हूँ और मुझे पता है एक ना एक दिन कामयाबी ज़रूर मिलेगी। सॉरी फॉर इंटरप्शन, कुछ लोग जो है यहाँ पीछे आ चुके हैं। ये जगह ऐसी थी कि यहाँ पर कोई नहीं आया करता था, पर पिछले कुछ दिनों से मनाली में इतना
टूरिस्ट आ चुका है कि हर एक जगह आप यहाँ देखेंगे तो भी लोग दिख जा रहे हैं, वहाँ देखेंगे तो भी लोग दिख जा रहे हैं, हर जगह लोग ही लोग, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोग तो दिख ही जा रहे हैं। तो नेवर माइंड पीछे का बैकड्रॉप, इन ऑरेंज शर्ट वाले भाई साहब ने खराब कर दिया है, पर अब क्या ही कर सकते हैं, इट्स ओके, इट्स फाइन। तो या मैं कहाँ पर थी, मैं यहाँ पर थी कि हमारा बिल्कुल ही मन नहीं हुआ, देन वी एक्सटेंडेड एंड नाउ वी आर हियर सिंस मंथ, और हमने काफ़ी कुछ एक्सप्लोर किया है। अगर आपने पिछले कोई भी ब्लॉग मिस करे हैं तो आई वुड रिकमेंड कि यार इतनी मेहनत करिए, प्लीज़ जाओ और वो सारे ब्लॉग्स आप देख सकते हो मेरे चैनल पे, मतलब इस वीडियो को देखने के बाद। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्सपीरियंस कैसा रहा मेरा। तो जैसे कि मैं दो लोकेशन में रुकी, एक मंथ शिमला में, एक मंथ मनाली में। शिमला इज अ ऑल टुगेदर अ डिफरेंट सिटी बिकॉज इट्स अ कैपिटल ऑफ हिमाचल, तो थोड़ी सिटी वाली वाइब आती है। और जब हम शिमला गए तो उस टाइम तुरंत ही लाइक फॉर आफ्टर अ वीक वहाँ पर लॉकडाउन लग गया, जिस वजह से हम मोस्ट ऑफ द टाइम हम घर पे बिताते थे। हम कभी कभार कहीं बाहर चले जाते थे बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम घर पे रहते थे, हम खुद से कुक करते थे। वहाँ पे हमने एक अपार्टमेंट लिया था, एक घर लिया था जो कि 2 BHK था, और वहाँ पे हम खुद ग्रोसरी लाते थे। वो भी एक अपने आप में बहुत मस्त फन था कि पहाड़ों में अपना खुद का एक घर बसा लिया, वहाँ पे हम सब्जी लेने जा रहे हैं, फ्रूट्स लेने जा रहे हैं, देन अपनी ग्रोसरी ला रहे हैं, खुद खाना बना रहे हैं, और सुबह उठ के नाश्ता, लंच, डिनर, एवरीथिंग वी वर कुकिंग फॉर आवर सेल्फ्स लाइक इन शिमला। बट देन व्हेन वी मूव टू मनाली, मनाली में हमने ये सोचा कि हमने एक मंथ ये वाला करके तो देख लिया कि हम खुद खाना बना रहे हैं और खुद सारी चीज़ें, तो मनाली में लेट्स ट्राई समथिंग डिफरेंट कि हम यहाँ पर किसी होम स्टे में रहते हैं जहाँ पर हमें खाना पका पकाया मिल जाए, हम बस काम करें और आराम करें और चिल करें और थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लोर करें। तो बस यही इंटेंशन के साथ हम मनाली आए थे और यहाँ पर हमें होपफुली बहुत ही अच्छा स्टे मिल गया, विच इज़ अंकल नोमैड इन ओल्ड मनाली। एंड हमारा ये भी माइंड में फिक्स था कि हमें ओल्ड मनाली ही रुकना है क्योंकि न्यू मनाली इज ऑल अबाउट लाइक अ वेरी टूरिस्टी प्लेस एंड एवरीथिंग। सो वी डिसाइड कि हम ओल्ड मनाली रुकते हैं, और ओल्ड मनाली में हमें स्टे भी अच्छा मिल गया, लोग भी अच्छे मिल गए हमारे टाइप के। तो या हमारा यहाँ पर जो एक मंथ था वो तो मतलब सुपर 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 फास्ट निकल गया। आई डिडंट इवन रियलाइज कि कब मैं उठती थी, कब मैं सोती थी, कब मैं क्या करती थी, मतलब ऐसे फ्लैश की तरह ये दिन यहाँ पर बीते हैं। और लिटरली आई एम नॉट इवन एग्जैजरेटिंग, मैं अगर आज भी याद करती हूँ ना कि जिस दिन हम मनाली आए थे उस दिन से आज दिन, ऐसा लगता है कल की ही तो बात है, कल ही तो हम आए थे मनाली और ये आज मतलब एक महीना हो गया, मतलब पता नहीं चल रहा है। सो दिस इज हाउ डे वेंट लाइक बूम बूम बूम। तो या बट ये सारी जो यादें हैं जो यहाँ से ऐसे समेट के ऐसे मैं लेकर जाने वाली हूँ, इट विल बी प्रीशियस और हमेशा मेरे एकता के और यहाँ पे जितने भी लोगों के साथ हमने टाइम बिताया हम सबके दिलों में हमेशा रहेगी डेफिनेटली। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ और कभी वापस नहीं आने वाली हूँ, डेफिनेटली आई कम बैक फॉर श्योर, पर अभी के लिए छोड़ने का भी मन नहीं हो रहा है। आई एम लाइक सच बोलूँ तो मैं तो बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो रही हूँ, और मैं वो सारी जगह एक एक बार जाने से पहले देखना मतलब जाकर थोड़ा वाइब्स ओगिन करना चाहूँगी, जहाँ जहाँ पर मैं हर दिन जाया करती थी, लाइक एक जंगल है वहाँ जाती थी मैं, यहाँ आके बैठती थी, और लास्ट वीडियो आपने वो देखा ही होगा। एंड देर आर फ्यू कैफेज विच हैज़ बीन लाइक वेरी, सो या बिफोर आई गेट इमोशनल, और हिमालय से जो मेरा प्यार है, जो मेरा रिश्ता है, वो मुझे लगता है बचपन से जब मैं पहली बार हिमालय आई थी, हिमाचल आई थी, तब से वो ना एक ऐसा। और जैसा कि आप सबको पता है कि मैं हिमाचल के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, बहुत ज़्यादा लाइक फीलिंग्स है मुझे, एज़ मेरा नाम भी हिमानी है। हिमानी का मतलब अगर आप गूगल में सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा, इट्स लाइक अ ग्लेशियर विच कम्स आउट ऑफ लाइक एज अ वाटर, फॉर्म ऑफ वाटर, दैट्स हिमानी। तो मेरा बचपन से और जब मैं पहली बार हिमाचल आई थी तब से एक वो अटैचमेंट है पहाड़ों से, स्पेशली हिमाचल से। आई फील दैट कनेक्शन वेन एवर आई कम हियर, आई हैड लाइक टीयर्स इन माई आईज, एंड वेन एवर आई गो बैक, लाइक मैं 4 दिन के ट्रिप से भी वापस जाती हूँ ना, लिटरली मेरी आंखों में आंसू होते हैं, और आई डोंट नो व्हाई दिस हैपन एवरी सिंगल टाइम। इवन आई यू गाइस, सो मेरे कैमरा की जो बैटरी है वो चली गई है, एंड आई हैव टू एंड दिस व्लॉग विद माय सेलफोन का कैमरा, सो सॉरी फॉर दैट। अभी मैं यहाँ से मुझे जाने में टाइम लगेगा और फिर से ये सब लेकर आऊँगी, तब तक यहाँ पर डार्क हो चुका होगा, और कल जो है हमें निकलना है वापस दिल्ली के लिए, तो मेरे पास बस यही टाइम था जब मैं ये शूट कर रही हूँ। तो होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, इट्स लाइक
वेरी इट विल बी वेरी क्लोज टू माई हार्ट. आई डोंट नो, इसमें आप लोगों को तो कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, बट बस मेरा एक्सपीरियंस, मेरा कुछ प्यार एक्चुअली मनाली के लिए, हिमाचल के लिए. सो या, दिस इज इट गाइज. होप यू लाइक दिस वीडियो एंड फाइंड इट इंटरेस्टिंग और इमोशनल और वॉट, आई डोंट नो. सो या, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट. इफ आपने यहाँ तक देखा है तो कॉमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको क्या लग रहा था, क्या सबसे लाइक पार्ट अच्छा लगा इस वीडियो का. आई वुड लव टू रीड योर कॉमेंट्स. विल सी यू विद अनदर वीडियो. टिल देन, टाटा, बाय बाय, नमस्ते.